हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों स्वागत है आपका हमारे शिल्पा आपके फेवरेट सीरियल साथ ही। हमें चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहाँ पर सागर, राधिका और कनक तीनों ही मिलकर गहना और अनंत की जिंदगी और घर वालों की जिंदगी के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। लेकिन गहना अब जन्माष्टमी के त्यौहार को इतना स्पेशल बनाकर कान्हा जी को इतना इम्प्रेस खुश करना चाहती है ताकि इसके घर की खुशियाँ और शांति बनी रहे। तो भाई गहना ने तो सोच लिया कि वो जन्माष्टमी को काफ़ी स्पेशल बनाने वाली है। तो वहीं अब जन्माष्टमी के बाद अनंत और गहना का महामिलन भी देखने को मिलने वाला है। राधिका काफ़ी कोशिश करेगी कि अनंत अपने दिल की बात गहना से ना कह पाए, लेकिन अब तो भाई यहाँ पर कान्हा जी का दिन है और गहना का भी अब कान्हा जी से कोई कुछ अच्छा ही और अलग ही रिश्ता है। तो भाई कान्हा जी ये सब तो बिल्कुल भी होके ही रहेगा कि अनंत अपनी बात दिल की गहना से कह ही देगा और उसके बाद ने अनंत और गहना एक दूसरे को पति पत्नी के तौर पर अपनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, गहना को अनंत अपने दिल की बात भी कहेगा और उसे अपनी पत्नी होने का हक भी देगा और अब तक जो उसने गलतियां की उसके लिए माफ़ी भी मांगेगा। तो फाइनली अनंत और गहना दोनों ही हमेशा के लिए एक हो जाएंगे और अब राधिका का कुत्ता साफ हो जाएगा हमेशा के लिए। लेकिन इन दोनों की ये महामिलन के बाद दूसरी तरफ जो नई मुसीबत आ रही है वो है सागर और कनक की, जो दोनों ही मिलकर घर वालों को और अनंत को और गहना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और गहना से बदला लेने के लिए सागर एक और बड़ा धमाका करने वाला है, यानी कि गहना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। जी हाँ दोस्तों, अब सागर और कनक इस बात का भी फायदा उठाएंगे कि अनंत एक सीक्रेट मिशन पे है और वो इस चीज का जरूर फायदा उठाएंगे और उन्हें पता ही है कि अगर कुछ भी करेंगे तो ये उन पर शक भी नहीं जाएगा। तो अब अनंत और गहना पर एक और बड़ी मुसीबत आने वाली है सागर और कनक की वजह से, लेकिन गहना इस मुसीबत को भी जरूर निपट ही लेगी।